स्वास्थ्य की बिगड़ती हालत और लगातार आ रही शिकायतों के बाद आज मुलायम सिंह के करीबी माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के डीजीपी एसी शर्मा को हटा दिया गया है। पिछले एक साल से लगातार कानून व्यवस्था की बिगड़ते हालातों के चलते आज डीजीपी एसी शर्मा का तबादला पीएसी में कर दिया गया और देवराज नागर को उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान दे दी गई है। अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंची, जहां पर पिछले 19 मार्च से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 19 मार्च से यहां पर धरने पर लगातार जमे हुए हैं। इसी बीच अन्ना हजारे उनसे आकर उनका हाल पूछा। प्राधिकरण के खिलाफ 19 मार्च से धरने पर बैठे किसानों का साथ देने के लिए आज अन्ना हजारे ने सरकार को जमकर कोसा और कहा कि ये सभी अधिकारी नेता जनता के सेवक हैं, लेकिन अब मालिक बन गए हैं। देश की चाबी हमारे पास है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं जानते। किसानों की कुछ मांगे हैं, जिनमें से प्रमुख मांगे हैं। नंबर एक, क्षेत्र के किसानों को 10% निःशुल्क विकसित भूखंड सेक्टर की तर्ज पर तत्काल उपलब्ध कराया जाए। किसानों की दूसरी मांगे हैं, किसानों को अतिरिक्त 64% मुआवजा वितरित किया जाए। तीसरी किसान की मांग है, क्षेत्र के समस्त किसानों को आबादियों की जमीन को छोड़ा जाए। देखने वाली बात यह होगी कि अन्ना हजारे के इस आंदोलन में जुड़ने के बाद किसानों की मांगों का अथॉरिटी पर क्या फर्क पड़ता है और अथॉरिटी किसानों की मांगों को मानती है या नहीं। आम चुनाव से पहले जेडीयू का तीर भाजपा के कमल का साथ छोड़ कांग्रेस से हाथ मिला सकता है, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राशिद मसूद का। नरेंद्र मोदी को भाजपा की तरफ से पीएम का उम्मीदवार बनाने के कयासों को लेकर जेडीयू और भाजपा के बीच खटास बढ़ चुकी है। इसका फायदा उठाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद मसूद ने कहा है कि हो सकता है आम चुनाव से पहले ही जेडीयू कांग्रेस के साथ आ जाए, क्योंकि सियासत में समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। वहीं सियासी समीकरण बदलते हुए समाजवादी पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और अमेठी का वीआईपी दर्जा खत्म करते हुए वहां 4 घंटे की बिजली कटौती का फैसला किया है। ये फैसला उस वक्त आया जब सपा के ही बड़े नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान ने ये कह डाला कि मनमोहन सिंह तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जेडीयू और भाजपा बिहार में साथ में सरकार चला रहे हैं और सपा और कांग्रेस केंद्र में सरकार, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा ये कहना बेहद मुश्किल होगा कि आम चुनाव से पहले सियासी समीकरण कहां बैठते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता जहां देश में 29वें स्थान पे है, वहीं केंद्र सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि साक्षरता मिशन के तहत दिए जाने वाले पैसे को पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च ही नहीं किया है। वहीं प्रदेश की सपा सरकार ने पैसा न खर्च किए जाने का आरोप पूर्ववर्ती बसपा सरकार पर मढ़ दिया है। प्रदेश में हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकती रही हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर को उत्तर प्रदेश में कोई पूछने वाला नहीं। यही आलम है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान फंड होने के बावजूद साक्षरता मिशन के तहत प्रदेश में 1 रुपया खर्च नहीं हो सका, जिसकी दुहाई खुद केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा कि 3 सालों में साक्षरता मिशन का पैसा न खर्च कर पाने का कारण पिछली बसपा सरकार पर मरते हुए कहा कि बसपा सरकार तो केवल लूट खसूट और ट्रांसफर पोस्टिकों में लगी हुई थी और केंद्र से आया पैसा वापस चला गया। अभी सरकार को बने हुए 1 साल हुए हैं, जिससे विभाग को ठीक करने में ही 1 साल लग गया है। आगे से आया साक्षरता मिशन का पैसा पूरी तरीके से खर्च किया जाएगा और जो साक्षरता में पिछड़े जिले हैं उनके लिए विशेष प्लान बनाया जाएगा। प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियां साक्षरता दर में कमी को लेकर भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हों, पर इसका खामियाजा तो प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज नकुड़ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ ने गन्ना किसानों को रिझाने के लिए रंग राजन कमेटी की वापस करने की मांग की, साथ ही सपा बसपा पर निशाना साधते हुए यूपीए सरकार को अल्पत में बताया। इतना ही नहीं, सीबीआई को सरकार चलाने का हथकंडा बताया। उधर चिलचिलाती धूप में खासा भीड़ देखने को मिली। अपने आधे घंटे के भाषण में राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय मुद्दों पर जनता को लुभाने की कोशिश की और साथ ही साथ हिसारों में नरेंद्र मोदी को शेरदिल नेता बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नवनियुक्त 6 न्यायाधीशों ने आज न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। इन सभी न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह ने शपथ दिलाई। सभी 6 न्यायाधीशों को दोपहर 3:30 बजे मुख्य न्यायाधीश कक्ष में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा न्यायिक अधिकारियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ताओं ने भाग लिया।
शपथ लेने वाले न्यायाधीशों में 5 जज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहे तथा 1 लखनऊ बेंच में वकालत करते रहे। 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या 86 से बढ़कर 92 हो गई है। दिल्ली के बवाना इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। करीब 1 बजे लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है, लेकिन इस अग्निकांड में करीब 600 झुग्गियां जलकर राख हो गयी। भीषण अग्निकांड में 2 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने इन मौतों की पुष्टि अभी नहीं की है। फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारियों समेत कुल 5 लोग इस अग्निकांड में झुलस गए। घटना से गुस्साए लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। आग बुझाने में दमकल की 22 गाड़ियों को जूझना पड़ा। बवाना बाहरी दिल्ली का इलाका है। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जिन लोगों के आशियाने जले हैं वो गरीब तबके के लोग हैं। ब्लू लाइन बसों की तरह दिल्ली की डीटीसी बसें भी बनती जा रही हैं। शुक्रवार को 4 सीआईएसएफ जवानों को डीटीसी बस ने कुचल दिया, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हैं और 1 की मौत हो गई। राजधानी में डीटीसी की बस ने सीआईएसएफ के 4 जवानों को टक्कर मार दी। चारों जवान ड्यूटी खत्म करने के बाद शुक्रवार को निर्माण भवन के बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही डीटीसी बस ने सड़क पर खड़े जवानों को बीच में ही टक्कर मार दी। दिल्ली के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में शुमार निर्माण भवन के पास 1 डीटीसी की बस ने सीआईएसएफ के 4 जवानों को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल 3 जवानों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव शुक्ला आज देहरादून पहुंचे और देहरादून में उन्होंने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ नियोजन विभाग के मसलों पे वार्ता की। इस वार्ता के बाद राजीव शुक्ला का कहना था कि उत्तराखंड में प्रदेश सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। केंद्रीय नियोजन राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने प्रदेश की बहुगुणा सरकार को पूरे नंबर देते हुए कहा कि विजय बहुगुणा के नेतृत्व में राज्य विकास के पथ पर अच्छा कार्य कर रहा है। उनके अनुसार योजना के आंकड़ों को देखकर लगता है कि प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है। वहीं उन्होंने राज्य को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। राजीव शुक्ला ने टिहरी बांध को महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बनाने के लिए केंद्र से मदद दिलाने का भी आश्वासन दिया है। उनका कहना था कि जिन आंकड़ों को वो देख रहे हैं उनसे लगता है कि राज्य में स्थिति बेहद अच्छी है। वहीं राजीव शुक्ला से जब हरीश रावत के पत्र के बारे में पूछा गया तो वो मामले में भी बचाव करते नजर आए। उनका ये कहना था कि हरीश रावत के पत्र में क्या है उन्हें पता नहीं है, लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से आंकड़े पेश किए गए हैं उनसे कहीं ना कहीं विकास जरूर नजर आता है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर जितना उत्साह चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में दिखाई दे रहा है, उससे कई ज्यादा उत्साह उनके समर्थकों में भी देखने को मिल रहा है। भाजपा ने एक बार फिर नगर निगम मेयर पद को हथियाने के लिए विनोद चमोली पर दाव खेला है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भाजपा से विनोद चमोली 1997 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए सूर्यकांत दसमाना के खिलाफ देहरादून नगर पालिका चुनाव में अपना भाग्य आजमा चुके हैं, जिसमें कि सूर्यकांत दसमाना को कारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर कमोवेश दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़े हैं। चमोली ने बताया कि सूर्यकांत दसमाना को अपने सामने देखकर उन्हें 1997 का नगरपालिका चुनाव याद है, जिसमें उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने उनके समर्थन में उतरकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया था। ऐसे में वे अपनी जीत के लिए पूर्णतः आश्वस्त हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद नामांकन कराने पहुंचे सूर्यकांत दसमाना ने भी विनोद चमोली को चुनाव मैदान में करारी मात देने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस में पहले ही मेयर पद के लिए टिकट के लिए खींचतान मची रही और अब रूठों को मनाने के दावे होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सूर्यकांत दसमाना के लिए भाजपा के साथ तो कड़ा मुकाबला है ही, साथ में उन कांग्रेसियों के साथ भी उनका मुकाबला है जो पार्टी के भीतर उनका विरोध कर रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर चुके हैं। लखनऊ के मणियाओं इलाके में ट्रिपल मर्डर केस का आज हुआ सनसनीखेज खुलासा। पुलिस ने इज्जत की खातिर बहन और उसके पूरे परिवार की बेदर्दी से हत्या करने वाले हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के मणियाओं इलाके में एक परिवार की निरसंग हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस उस हत्यारे के सुराग खोजने में जुट गई थी। आखिरकार पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उस परिवार की हत्या करने वाले हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह हत्यारा और कोई नहीं उस परिवार का ही एक सदस्य था। जी हाँ, उस बहन का भाई जिसने महज अपनी बदनामी के चलते उस अपनी बहन के पूरे परिवार की निरसंग हत्या कर डाली और इसने अपने मुंह से बताया कि आखिरकार किस तरह इसने अपनी बहन के चलते हो रही बदनामी के बाद उसकी किस तरह बेदर्दी से हत्या की। पहले इसने अपनी बहन और उसके पति को किस तरह नींद की दवाई खिलाई और उसके बाद किस तरह बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स बिल्कुल भी परेशान नहीं है और इसका कहना है कि इसने जो कुछ भी किया इस बात का इसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं। जहां पुलिस ने मौका वारदात पर मिले सुरागों की मदद से इस हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है,
लेकिन इसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। पति के शक की कीमत पत्नी को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। मामला गाजियाबाद के भोजपुर इलाके का है, जहां पति ने पत्नी पर शक के चलते उसकी गला घोटकर हत्या कर दी और मामले को लूट का रंग दे डाला। भोजपुर में रहने वाली तबस्सुम की शादी एक साल पहले मेरठ रहने वाले गुलबहार से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी में झगड़े होने लगे और इस झगड़े की वजह थी शक। गुलबहार अपनी पत्नी के चरित्र पर शक किया करता था, इसी शक के चलते उसने एक साजिश को अंजाम दे डाला। गुलबहार ने अपनी पत्नी तबस्सुम की गला घोटकर हत्या कर दी। इस साजिश में गुलबहार का उसके दो साथियों ने भी साथ दिया। भोजपुर पुलिस ने इस मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तबस्सुम की हत्या में शामिल उसके पति और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों हत्यारोपियों के कब्जे से तबस्सुम के जेवरात और उसके मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के भले ही लाख दावे क्यों ना कर ले, लेकिन महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराधों में कोई कमी नहीं आ रही। ताजा मामला बरेली का है, जहां दवाई लेने जाती एक छात्रा को कुछ लोग अगवा कर लेते हैं और उसके साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप किया जाता है। इतना ही नहीं, पीड़ित लड़की जब थाने पहुँचती है तो उसकी FIR तक दर्ज नहीं की जाती है। बरेली के महिला थाने में बैठी इस लड़की की अगर आप दास्तां सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। पीड़ित लड़की की अगर माने तो ये लड़की शनिवार को दवा लेने के लिए गांव के ही एक हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन गांव का ही रामलाल उसको अगवा कर लेता है और गाड़ी में पहले से ही दो लोग और मौजूद होते हैं। वो सभी लोग मिलकर इसके साथ गैंगरेप करते हैं और बेहोशी की हालत में लड़की को सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। लड़की को जब होश आता है तो वो अपने घर पहुंचती है और पूरी आपबीती बताती है। घर वाले लड़की को लेकर बरेली के सिरौली थाने पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस का वही पुराना रवैया, पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार कर देती है। थक हार कर परिजन बरेली में आला अधिकारियों के पास पहुंचते हैं और पुलिस के आला अधिकारियों के आदेश के बाद बरेली के महिला थाने में FIR दर्ज कर ली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस अगर वक्त रहते FIR दर्ज कर लेती तो शायद आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होते। बहरहाल सभी आरोपी फरार हैं। 10 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने कांदला में 13 कांड का खुलासा कर दिया। वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का जीजा बाबर निकला। पुलिस सूत्रों की माने तो बाबर अपनी खूबसूरत साली ईसा से एक तरफा प्यार करता था। बाबर ही एक तरफा प्यार में उस पर शादी का दबाव बनाता था, लेकिन ईसा उसका हर बार विरोध करती थी। वो अपने जीजा की नरकतों से तंग आ चुकी थी, लेकिन बाबर के जहन में जो चल रहा था उसने अपने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया। उसके मन में ईसा के प्रति ऐसी नफरत जागी कि उसने उसके सुंदर चेहरे को बदसूरत बनाने की ठान ली और दे दी 2 युवकों को ईसा पर तेजाबी बारिश करने की सुपारी। जिसके बाद युवकों ने 2 अप्रैल को ईसा को निशाना बनाते हुए उस पर पिचकारी से तेजाब डाल दिया था, जिसमें ईसा के साथ साथ उसकी 3 अन्य बहनें भी चपेट में आ गई थी। ईसा की 3 बहनें तो अपना इलाज कराकर घर लौट आई हैं, जबकि ईसा आज भी दिल्ली के गंगाराम चिकित्सालय में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पुलिस ने बाबर व उसके साथी जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि युवतियों के ऊपर तेजाबी बारिश करने वाले दोनों आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था सुधारने के लाख प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कानून व्यवस्था सुधारने का नाम नहीं ले रही। एक ताजा मामला कलवारी थाना क्षेत्र के कुसौरा बाजार का है, जहां अमन जायसवाल जो कि पेशे से एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका अपहरण कर लिया गया है और उनके परिवार को बार बार धमकी दी जा रही है कि अगर 1 करोड़ रुपए जल्द से जल्द नहीं दे दोगे तो तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। इस पूरे मामले पर जब SO से बात हुई तो SO बात को घुमाने का प्रयास करे, मतलब साफ है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लीपापोती करते हुए नजर आ रही है। मेरठ के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज हुए पासिंग आउट परेड में 465 पुलिस कर्मचारियों को पास आउट करके दरोगा बना दिया गया। परेड की खास बात ये रही कि एक अरसे तक कुख्यात डाकू रहे छवि राम के बेटे अजय पाल के कंधों पर भी अधिकारियों ने सितारे सजाए। सितारे सजाने वाले अफसर भी वही रहे जो कि छवि राम को मारने वाली टीम में शामिल थे।
मेरठ के हापुड़ रोड स्थित पीटीएस में आज एक खास कार्यक्रम था। मौका था केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे विभागीय परीक्षा पास करने वाले कांस्टेबलों के पासिंग आउट परेड का। पीटीएस एडीजी श्री एके जैन ने इन पदोन्नत दरोगा की सलामी ली और इनके कंधों पर स्टार टांगे। पासिंग आउट परेड में शामिल अजयपाल सिंह के लिए ये मौका औरों से अलग महत्व रखता है, क्योंकि 70-80 के दशक में चंबल घाटी में आतंक का पराया बने डाकू छविराम के बेटे अजयपाल सिंह के